हाय फ्रेंड्स, आज हम इनकार करने के इंग्लिश जुमले सीखेंगे। सिर्फ नो बोलना काफ़ी नहीं है, डिफरेंट वेज टू से नो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 40 सेंटेंस है, वीडियो को आखिर तक देख के आप लोगों को समझ आएंगे। लेट्स स्टार्ट। ओके, काश मैं आपकी मदद कर सकता लेकिन मैं अपने काम में मसरूफ हूँ। से आई विश आई कुड हेल्प यू बट आई एम बिजी विद माई वर्क। ये डिनाई ए रिक्वेस्ट, कोई आपको रिक्वेस्ट करे कि मेरी हेल्प कर लो, या कोई ऐसे सिनेरियो लेते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई नेबर शिफ्ट हुआ है, पड़ोसी, तो आपकी हेल्प चाहता है, तो आप उसको कह सकते हो कि आई विश आई कुड हेल्प यू बट आई एम बिजी विद माई वर्क। उसने आपको रिक्वेस्ट किया हेल्प करने के लिए और आपने उसको सिर्फ नो नहीं कह सकते हो, डायरेक्ट नो। तो आप लोगों को कैसे कहना चाहिए? आई विश आई कुड हेल्प यू बट आई एम बिजी विद माई वर्क। ये भी डिनाई रिक्वेस्ट का एक सेंटेंस आप बोल सकते हैं ऐसे, इंस्टीड ऑफ नो, बजाय नो कहने के। सो मैं आपकी मदद करना पसंद करूँगा लेकिन मैं वाकई मसरूफ हूँ। आई वुड लव टू हेल्प यू बट आई एम रियली बिजी। ये भी आप कह सकते हो ये सेंटेंस, उसने रिक्वेस्ट किया हेल्प के लिए बट आपने क्या किया, उसको डिनाई किया। सही है, यानी इंस्टीड नो कहने की बजाय आप ऐसे भी सेंटेंस कह सकते हो। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ आ गई होगी। बदकिस्मती से अब मैं मसरूफ हूँ। अनफॉर्चुनेटली नाउ इज नॉट ए गुड टाइम। ये भी डिनाई ए रिक्वेस्ट, कोई आपको दरख्वास्त करे, कोई आपको कहे मेरी मदद करे, तो आप उसकी मदद को इनकार करने के लिए आप ये सेंटेंस बोल सकते हो। तो उसकी रिक्वेस्ट को आपने क्या किया, डिनाई किया, इनकार कर दिया। सिर्फ नो नहीं कहना चाहिए बल्कि आप ऐसे भी कह सकते हो, अनफॉर्चुनेटली नो इज़ नॉट ए गुड टाइम। ओके, सो मैं इस पेशकश की तारीफ़ करता हूँ लेकिन मेरे जहन में कुछ मुख्तलिफ है। I appreciate the offer but I have something different in my mind. He deny an offer. कोई आपको पेशकश करे, कोई आपको ऑफर दे, तो आप इस ऑफर को क्या कर सकते हो, deny कर सकते हो। सही है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिनेरियो ले लें, कोई आपको कहे कि, या कोई आपको जॉब ऑफर दे दे, सही है, तो आप उसकी सैलरी से खुश नहीं हो, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, अप्रिशिएट द ऑफर बट आई हैव समथिंग डिफरेंट इन माय माइंड। बजाय इसके कि आप उसको कहें नो, आप ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, यानी आपको काम या आपको रोल पसंद नहीं है, आपको जॉब पसंद है, यानी आपको जॉब पसंद नहीं है, सैलरी सही है, फिर भी आप ऐसे कह सकते हो। ठीक है, या सैलरी पसंद नहीं है, मुख्तलिफ, ये बहुत अच्छा है लेकिन मुझे ज़्यादा की तवक्को है। दैट वुड बी ग्रेट बट आई एक्सपेक्टिंग मोर, ऐसे भी आप कह सकते हो, ये बहुत अच्छा है लेकिन मुझे ज़्यादा की तवक्को है। यानी आप, उसने जॉब आपको ऑफर दिया मगर सैलरी सही नहीं है, थोड़ा है, तो आप उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि दैट वुड बी ग्रेट बट आई एम एक्सपेक्टिंग मोर। ये भी डिनाई एन ऑफर, ऑफर को रद्द करने का सेंटेंस आप ऐसे बोल सकते हो, इनकार करने का सेंटेंस आप ऐसे भी बोल सकते हो। सही, इस पेशकश के लिए आपका शुक्रिया, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। कोई आपको और चीज़ वो करे, ऑफर करे, ये भी डिनाई एन ऑफर है। कोई आपको और चीज़ वो करे, जॉब ऑफर करे, वो आपके साथ सूट नहीं हो रहा, मैच नहीं हो रहा, आप उसको ऐसे भी कह सकते हो, थैंक यू फॉर द ऑफर, दिस वॉन्ट बी दिस दिस
विल नॉट या दिस वॉन्ट बी पॉसिबल फॉर मी, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। यानी ऑफर तो ठीक है पर आप उसको पसंद नहीं है, फिर आप ऐसी भी सेंटेंस कह सकते हो ऑफर को इनकार करने की शक्ल में, ये सेंटेंस आप बोल सकते हो, आपको ऑफर पसंद नहीं है। बजाय नो कहने के आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है। मैं वाकई इस दावत की कदर करता हूँ लेकिन अगली बार, सही, ये डिनाई है इनविटेशन। कोई आपको दावत दे आप उसको नो डायरेक्ट नहीं कह सकते, आप फिर उसको ऐसे कह सकते हो, आई रियली अप्रिशिएट द इनविटेशन बट आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम। कोई आपको कहे कि सिनेमा जाना है, मूवी देखना है, या कोई आपको कहे शादी की तकरीब में आना है, तो आप बिजी है बहुत, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आई रियली अप्रिशिएट द इन्विटेशन बट आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम वुड वेलकम टू यू, ओके। ये इन्विटेशन को डिनाई करने का सेंटेंस आप बोल सकते हो, बजाय आप डायरेक्ट ना बोल या नो बोले। काश मैं आ सकता लेकिन मेरे किस्मत से बाजार जाना है, ऐसे भी कह सकते हैं आई विश आई कुड कम बट अनफॉर्चुनेटली हैव टू गो टू द मार्केट। कोई दोस्त आपको कहे कि मेरे साथ किसी जगह जाना है, ज़रूरी काम है, मेरे साथ चाहिए, तो आपने उसकी इनविटेशन को वो किया। शादी का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दावत दे आपको खाने का, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, सही। माजरत के साथ मैं नहीं कर सकता, आई एम अफ्रेड आई कांट। कोई आपको कहे मैं हेल्प कर ले बट आप वो नहीं कर सकते हो किसी भी रीज़न की वजह से, तो आप उसको ऐसे कह सकते हो आई एम अफ्रेड आई कांट, ओके। मुमकिन नहीं, नॉट पॉसिबल, ऐसे भी कह सकते हो। मुझे यकीन नहीं कि मैं इसके लिए बेहतरीन हूँ, आई एम नॉट श्योर आई एम द बेस्ट फॉर इट, ऐसे भी आप कह सकते हो। यानी आप सिर्फ नो कहे तो नो अच्छा नहीं रहेगा, आप उसको ऐसे सेंटेंस कह सकते हो आई एम नॉट श्योर आई एम द बेस्ट फॉर इट, अभी नहीं, नॉट नो। कोई आपको कहे लेट्स गो, आप कहे नॉट नो, ये भी आप कह सकते हैं। नहीं, आप ऐसे भी कह सकते हो डायरेक्ट, इस वक्त नहीं, नॉट दिस टाइम। कोई आपको कहे लेट्स गो नो, आप कहे कह दे नॉट दिस टाइम, आपको इसी टाइम नहीं जाने पसंद नहीं, किसी और टाइम जाना चाहते, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं नॉट दिस टाइम। नहीं शुक्रिया मैं ये नहीं कर सकूँगा, नो थैंक्स आई वॉन्ट बी या आई विल नॉट बी एबल टू मेक इट। नहीं शुक्रिया मैं नहीं कर सकूँगा, ऐसे भी कह सकते हैं अगर आपको कोई काम नहीं करना है, पसंद नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कुछ काम नहीं। आप बहुत अच्छे हैं जो मेरे बारे में सोचे लेकिन मैं नहीं कर सकता, यू आर सो काइंड टू थैंक ऑफ मी बट आई कांट, ऐसे भी आप कह सकते हैं। अफसोस है कि मैं नहीं कर सकूँगा, रिग्रेटेबली आई एम नॉट एबल टू, ये भी आप कह सकते हैं, आप कोई काम नहीं करना चाहते तो ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। किसी और वक्त सही, आपको अभी काम नहीं करना है, कुछ पसंद नहीं है, मे बी अनदर टाइम, आप ऐसे कह सकते हो। पक्की बात नहीं कर सकता, आई कांट कमिट, यानी आप वादा नहीं कर सकते। आप दोनों दोस्त बातें कर रहे हो, आपको कहे आप कोई मेरे लिए कर ले, तो आप कहते हैं आई कांट कमिट, आई कांट प्रॉमिस, ऐसे भी कह सकते हैं। नहीं आपका शुक्रिया लेकिन यह बहुत अच्छा लगा, नो थैंक यू बट इट साउंड्स लवली, आप ऐसे भी कह सकते हो। मैं मदद नहीं कर सकूँगा, आई वॉन्ट बी एबल टू हेल्प। आपने इज्जत दी लेकिन मैं नहीं कर सकूँगा, आई एम ऑनर्ड बट कांट। मेरे पास करने को बहुत कुछ है, आई हैव गॉट टू मच ऑन माई प्लेट राइट नाउ, आप बहुत बिजी है, तो ऐसे भी आप कह सकते हो अगर आप कुछ कोई चीज़ नहीं करना है। काश मैं ये कर सकता, आई विश आई वर एबल टू, आप ऐसे भी कह सकते हो। बदकिस्मती से नहीं, अनफॉर्चुनेटली नॉट, माजरत लेके मैं नहीं कर सकता, अपोलोजीज बट आई कांट मेक इट, माजरत ये मेरे बस का नहीं, नो सॉरी दैट्स नॉट रियली माई थिंक, हरगिज़ नहीं, सर्टनली नॉट, मुझे नहीं लगता कि मुझे चाहिए, आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू, मैं पहले ही मसरूफ़ हूँ, आई एम ऑलरेडी बुक्ड,
कोई आपको कहे कि एक काम कर ले, तो आप ऐसे भी कह सकते हो, मैं नहीं चाहता, शुक्रिया, आई वुड रादर नॉट, थैंक्स, मैं इससे राजी नहीं हूँ, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद इट। मैं किसी को जानता हूँ जो आपकी मदद कर सके, आई नो ऑफ समवन हु कुड हेल्प यू। यानी कोई आपको हेल्प के लिए कहे और आप जान छोड़ना चाहते हो, आप नो तो नहीं कह सकते डायरेक्ट, आप कहते कि मैं किसी और को जानता हूँ जो आपकी मदद कर सके। यानी आप उसको, मतलब ये होता है कि आपको नहीं कहे कि मेरी हेल्प करे किसी, मैं इससे बेहतर मैं मर जाऊँ, आई वुड रादर डाई बट नॉट ईट दिस थिंग। यानी आपको ये पसंद ही नहीं, आप नहीं करना चाहते, आप कोई कुछ खाना ही नहीं चाहते, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं इससे बेहतर है मैं मर जाऊँ, मगर ये मैं नहीं खाऊँगा या मैं ये नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि आप खुद ही बखूबी कर लेंगे, आई थिंक यू विल डू अ वंडरफुल जॉब योर सेल्फ। आपको एक काम करना ही नहीं है, तो आप उसी को कह सकते हैं कि आप बेहतर ये है कि आप खुद कर ले, यानी आप नहीं करना चाहते। मैं इजाज़त नहीं देता, आई डोंट अप्रूव, मैं नहीं करूँगा, आई शल नॉट, बिल्कुल भी नहीं, ओह हेल नो, इस जन्म में नहीं, नॉट इन दिस लाइफ टाइम।